हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमने ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से एलईडी बल्ब के अंदर के सर्किट विद एलईडी। तो ये जो नए आए हैं इनको डीओबी बोलते हैं, ड्राइवर ऑन बोर्ड। तो कुछ 30 पीस हमने ऑर्डर किए हैं। तो मेटल प्लेट में लगे हुए हैं, ये हीट ट्रांसफर का काम करते हैं क्योंकि ये हीटअप बहुत होते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सारे पीसेस अच्छे से पैक होके आ गए हैं। तो चलिए, इसमें से जो खुला वाला है इसमें से मैं एक पीस अलग कर लेता हूँ। है इसमें आप यहां पे जो देख रहे हैं लाइव न्यूट्रल, इधर डायरेक्ट हम 220 दे सकते हैं और ये चलना चाहिए। तो अब एक पीस में मैं वायर लगा के लाता हूं, फिर हम टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये मैंने ट्रायल पर्पस के लिए इसमें सोल्डर कर दिया है वायर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लग लगा दिया है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यह हमारा एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्ट कर दिया है और अब इसको हम ऑन कर देते हैं। और शायद मोबाइल में उतना नहीं पता चल रहा है, बट लाइट शायद काफी अच्छी हो रही है। तो इसको हम एक पुराने बल्ब में लगाएंगे, उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा और देखते हैं। बाकी मैं सब टेस्ट करूंगा और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कितने इसमें वर्किंग पीस निकले और कितने खराब निकले। अगर मैं रूम की लाइट बंद कर दूं तो देखें क्या होता है। काफी ब्राइट लग रही है इसकी लाइट, ये आप देख सकते हैं 9 वॉट इसका क्लेम्ड है। ठीक है, तो फिर इसको हम बाद में बल्ब में लगा के टेस्ट करेंगे। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पीछे से काफी गर्म हो जाता है, तो इसको यूज करने के लिए बल्ब के अंदर एक बड़ा एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर लगाना चाहिए, नहीं तो फिर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा।